प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। दीदी या मूंग बीज उपचारित करब? हाँ आज मूंग बीज उपचारित करब, बचत कर ले छी ओकर बाद मूंग बीज उपचारित करब। बचत करी कर। हाँ बचत करी। अब तो बैठक समाप्त हो गए भैया, अब मैं बीज उपचार करी के चलिए देखिए। चलिए दीदी। दीदी मूंग का बीज उपचारित करला की उद्देश्य से? स्वस्थ बीज और खराब बीज के जानकारी मिले छे, और खराब बीज फेंक दे छे और अच्छा बीज लगावे। उपचारित करला के बाद स्वस्थ बीज और खराब बीज में फर्क बुझा जाए छे ना? हां जानकारी ओकर मिल जाए छे। आ स्वस्थ लगाए छे और खराब फेंक दे छे। स्वस्थ बीज ही लगाए छे? हां। खराब निकाल के फेंकी दे छे? फेंकी दे छे ओकरा। हां दीदी उद्देश्य तो बता दिलिए। हाँ। अपनो परिचय देतिए न? हाँ, हमर नाम ललिता देवी भेल, मैं भारतीय संघ सहायता समूह के अध्यक्ष भेलिए, श्री राम जीविका महिला ग्राम संगठन के सचिव भेलिए, और मेरे घर पुरानी गरल पड़े छे, पोस्ट संझा घाट प्रखंड धमदाह छे, जिला पूर्णिया के निवासी छी। एक कट्ठा खेत में जे बीज उपचार करे में सामान लागे छे भैया, वो हमें तोरा बतबै छी। हाँ तो बताबो दीदी। 200 ग्राम मूंग भेले। ये 200 ग्राम मूंग का बीज है? हाँ भैया ये 200 मूंग के बीज है। और 40 ग्राम शक्कर भेले। और ये 40 ग्राम शक्कर छ? हाँ ये 40 ग्राम शक्कर। आई 25 ग्राम राइजो बीएम भेले। 25 ग्राम राइजो बीएम छे। हां आई 400 ग्राम समान पानी भेले। जो 400 ग्राम पानी समान। हां ई प्लास्टिक रख ले छी, आई एति बिछावे बैठी बसते, आई सूती कपड़ा सूती कपड़ा छाने खातिर रख लो छे। आ प्लास्टिक पर पसारे ले बीच पे। 400 ग्राम में पानी में भैया ये 200 ग्राम मूंग के बीज ओई में डाल के आई हाथ से हमें ये 400 ग्राम सामान पानी में बिया देली, बीज देली ना? बीज देली आ दे के हाथ से मिलवे छी। आज एक मतलब ये बीज का ना निकाली फेंक लिए? ये खराब भ गेल भैया, ये खखरी छे ओइस निकाल के सा फेंक देलिए। तो मतलब ये खराब बीज छले ना? खराब बीज छले ओइस एकरा फेंक देलिए। दीदी हां ये बाहर का ना फेंकी देलिए? वो खराब बीज रे भैया। तो ये खराब बीज छले? खराब बीज रे, वो बेगी देलिए, जे बढ़िया बीज छे वो यही छे। जे अच्छा बीज छे यही छे? हाँ खराब बीज फेंक देलिए। ये खराब छले ना? हाँ एकरा भैया 3 घंटा के लिए झाँप के आरो ठंडा जगह में एकरा रख देवे। दीदी 3 घंटा कहना रखबे? तीन घंटा रखबे जे 3 घंटा में मूंग के बीज फूल जाए छे। तो 3 घंटा में मूंग के बीज फूली जाए छे? हाँ 3 घंटा ओकरा ले काफी भए गेले। मतलब 3 घंटा काफी छे एकरा फूले वास्ते? हाँ। अब तो 3 घंटा भाग गेले भैया, अब बैठिए यहाँ हमें एकरा सूती कपड़ा में छाँकै छी। एकरा सूती कपड़ा में छाँकबे? हाँ एकरा सूती कपड़ा में छाँकी के जगह में।
अब एकरा की करबे ई छादार जगह में एकरा फैला देबे सूतीये कपड़ा पर सूतीये कपड़ा पर दीदी ये सूती कपड़ा पर कितना देर रखबे एकरा 20 मिनट के लिए देलिए है पानी बराबर खातिर एकरा पानी बराबर खातिर हां 20 मिनट 20 मिनट ई 100 ग्राम पानी में हां आ ई 40 ग्राम शक्कर दाय के उबाल के आ चाशनी बनाबे छी चाशनी बनेबे एकरा हां एक सौ ग्राम में 40 ग्राम शक्कर दीदी शक्कर गरम केने कर लिए शक्कर गरम करने से ये चिपचिपा भ जाय छे आने की बीच में सट जाय छे मतलब लसापन आ भी जाय छे हां लसापन आ भी जाय छे बीज में सट ही जाय छे हां भैया अब एकरा 20 मिनट के लिए ठंडावे ल दे दे छी एकरा 20 मिनट ठंडावे ल देबे हां भैया ये मूंग के प्लास्टिक पर दाय के जो मतलब ये बीज का वो प्लास्टिक पर पसारबे हां एकरा अब पसारी दे छे हां अब तो दीदी देखे छो शक्कर मिली गलो ये में हम शक्कर मिला दे छे अब है राजमा भी हां ये में दाय के इरा जो भी हम ऊपर से दे छे ना हां ये ऊपर से दाय के मिला दे छे अच्छा दीदी राजो भी हम कहना मिला छे भैया ये नाइट्रोजन के ये काम करते हैं ओ ये राजो भी हम नाइट्रोजन का काम करे छे हां अब एकरा हाथ से हम मिला दे अब एकरा हल्का हाथों से मिलावे छे दीदी हां हल्का हाथों से कहना मिलावे छे हल्का हाथों से मिलावे छे जे एकरा छिलका जे छे ने ई नै नै उखड़े ओ मतलब एकरा छिलका नै उखड़े नै उखड़े या लका हल्का हाथ से मिलाय छे हां ई से एकरा हल्का हाथ से एना के मिलावे छे अब एकरा प्लास्टिक जगह प्लास्टिक पर सुखा के बगार के छेदार जगह में 3 घंटा के लिए एकरा लार देबे दीदी मूंग का बीज उपचारित करला से की लाभ छे लाभ छे जे जड़ में कोनो बीमारी नहीं होय छे और अंकुरण जे छे ने जल्दी आवे छे और पौधा स्वस्थ रहे छे
और उपज अधिक हो। मतलब जड़ में कोनो बीमारी नहीं लगे छे? कोनो बीमारी, पौधा स्वस्थ हो। पौधा स्वस्थ हो, अंकुरण भी जल्दी आवे छे। अंकुरणो जल्दी आवे छे आरो उपजो अधिक हो। तो ढेर फायदा छे बीज उपचारित करला से? हां, बहुत फायदा छे। दीदी, मूंग का बीज उपचारित करे में कोनो सावधानियो राखेल पड़े छे? हां भैया, सावधानियो राखेल पड़े छे। मिश्रण बीज के हल्का हाथ से मिलेबे आरो गरम शक्कर के ठंडा ही करके मिलेबे। दीदी, किसान दीदी भाइयों को कोनो संदेशो देबे? हां भैया, संदेश देबे। सब किसान भैया और दीदी से अनुरोध है छै कि मूंग के बीज उपचार करके ही लगावे, एकरा से ही उपजो अधिक हुए छै। दीदी, आप अपना कीमती समय निकाली दे हमरा बतेलो मूंग बीज उपचार कैसे होय छै, एकरा से हम बहुत कुछ सिखलिए। हां, जाके अपना गांव में भी किसान दीदी का बतेबे, खुद अपना मूंग का बीज उपचारित करी लगेबे, एकरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।